हेलो फ्रेंड, आज देखिए आज मैं आपको पालक पनीर की सब्जी बताने वाली हूँ। ये मैंने कढ़ाई ली है अपनी और इसमें मैंने ऑयल डाला है। पालक पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, अगर घर पे बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। देखिए अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अभी इसमें हम इसके लिए तेज़पत्ता डालेंगे, दो लाल मिर्च ऐड कर देते हैं और इसमें हमने जीरा ऐड किया है हल्का सा। पता अभी हम लौंग डाल रहे हैं इसमें, ये हमने काली मिर्च डाली है, ये टेस्ट के लिए डाली जाती है, इसमें वो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और कुछ हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जैसे ये धनिया, हमने 2 टेबलस्पून हमने धनिया डाली है इसमें, और इसमें हल्दी डाली है 1 टेबल स्पून। मिर्च कट करके रख ली थी अपनी, ये हरी मिर्च कट करके रख ली थी और ये हम ये डालेंगे इसमें। अब थोड़ा चलाएंगे और जो हमने अपने टमाटर कट करके रख लिए थे, अभी हम अपने टमाटर कट करके रख लिए, इसमें हम ये ऐड कर देंगे। पकने देंगे इसको, थोड़ा हल्का हल्का भूनने देंगे जिससे ये रेड टोन पे आ जाए। इसको भूनने देंगे हल्का हल्का सा, इसको थोड़ा हम अभी हम 1/2 टेबल स्पून अभी हम दालचीनी डालेंगे इसमें। अब हमने अपने मसाले जो ऐड कर दिए, नमक हम अपना बाद में डालेंगे, जब हमारा बन के सही रेडी हो जाएगा तब हम इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अभी ये हम उसको फ्राई करने दे रहे हैं, थोड़ा इसे फ्राई हो जाए, उसका कलर रेड कलर आ जाए तब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। ये अभी हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे, ये ठंडे भी हो गए, अब हम इसे मिक्सी में पीसेंगे। इसको हम मिक्सी में डाल देंगे। अपने अपना पालक लिया था, ये बॉईल कर लिया था पानी में, हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हींगा डालेंगे, हींग डालेंगे इसमें पीसा था, जब हमने अपनी ग्रेवी बनाई थी पालक की, अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमने जो अपनी ग्रेवी डाली है ये बहुत गाढ़ी है, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अपना। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, एकदम ग्रीन ग्रीन कलर, हमारे फायदेमंद के लिए भी बहुत होता है, इसमें आयरन भी बहुत होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा करता है ये पालक। अब हम इसमें अपना गरम मसाला डालेंगे, हमने अपना नमक नहीं डाला था, अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने हिसाब से। किसी मिर्च ऐड करेंगे, देखिए अभी हमारा ये हमारी पालक पनीर की सब्जी। अब हम इसमें अपनी फ्रेश क्रीम डालेंगे, ऐड करेंगे इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पालक पनीर बनके तैयार हो गए, इसमें हम अपनी फ्रेश क्रीम डाल दिए, अगर आप भी डालो, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी ऐड कर सकते हो इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम अपने, हमने पनीर के पीस कट कर लिए थे, अब इसमें हम पनीर के पीस ऐड करेंगे। देखिए हमारी पालक पनीर की सब्जी बनके रेडी हो गई है, हमारी पनीर की सब्जी बनके रेडी हो गई है। अगर देखिए आपको हमारी पनीर की सब्जी अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।